अस्सलाम वालेकुम सबाज बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह ईद के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून काली मिर्चें ली हैं और 15 हरी इलायची है और एक टीस्पून लौंग लिए हैं, 3 तेज़पत्ते हैं और 1/2 टीस्पून जावित्री है और 2 करण फूल हैं और साथ ही हम लेंगे 2 टेबलस्पून धनिया, यानी धनिया के जो बीज होते हैं साबित धनिया जो होता है वो 2 टेबलस्पून लेंगे और ये सारी चीज़ें हम मोटी मोटी कूट लेंगे, यानी हम इसे क्रच कर लेंगे। या तो आप इसे मिक्सर में मोटा मोटा कूट लें या फिर आप हमाम दस्ते में भी इसे मोटा मोटा कूट सकते हैं। हमें इसे बस इतना कूटना है कि इसका टुकड़ा हो जाए, ठीक है, बस इसे इस तरह से क्रश कर लेना है। देखिए मैंने इसे क्रश कर लिया है, यानी धनिया के आधे आधे टुकड़े हो गए हैं, इलायची खुल गई है और यानी इसके जब हम इसे जब कुकिंग प्रोसेस में डालेंगे तो ये इसके फ्लेवर्स निकल जाएंगे। तो हमने क्या करना है, गोश्त में 1/4 किलो गोश्त लेना है, 1/4 किलो गोश्त लेकर हमने इसमें आधे क्रश किए हुए मसाले डाल देना है, यानी जो मसाले मैंने कूटे थे वो आधे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया और 1 टेबलस्पून सौंफ डाल दी और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया। गोश्त में आप ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और 1 टीस्पून नमक ऐड कीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद आप इसमें 2 से 3 स्लाइसेस प्याज के डाल दीजिए और 1/2 कप दही डालिए, यानी ये दही हम गोश्त के लिए डालेंगे, यानी गोश्त में फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालिए। आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट करके रख सकते हैं ताकि ये गोश्त और ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाए। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे, गोश्त को हमें गला लेना है तो हमें इसे प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा सा पका लेना है। हमने इसे इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा तेल छोड़ने लगे, यानी तो उसकी जो चिकनाई है वो छोड़ने लगे और अच्छी तरह से सूख जाए जब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए जब ये तरी छोड़ने लगेगा, यानी जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तब आप इसमें पानी डाल दीजिए, यानी गोश्त के हिसाब से हमने इसमें पानी डालना है। अगर गोश्त सख्त है तो ज़्यादा पानी डालकर इसे गला लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 4 कटी हुई प्याज ली है। ये 4 कटी हुई प्याज को हमने अपने हाथों से इस तरह से खोल लेना है, खोल लेने की वजह से ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। अब एक भगोने में या पतीले में 200 ग्राम तेल डालिए और उसके बाद आप इसमें प्याज डालकर क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए। लेकिन साथ ही हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम देसी घी। घी डालने से ये जो पुलाव है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। देखिए प्याज क्रिस्पी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें से आधी प्याज अलग कर लेते हैं, आधी या फिर आधी से कम प्याज सेपरेट कर लीजिए, अलग से निकाल कर रखिए और फिर बचे हुए तेल में बघार में हम क्रश किए हुए मसाले डाल देंगे, यानी जो मसाले मैंने आधे बचा कर रखे थे वो मसाले डाल दिए और 15-20 सूखी लाल मिर्चें डाल दी। अब इसमें हम 2 से 2.5 टेबलस्पून मोटी कूटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। कोशिश कीजिए कि जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं तो फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट लें। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और उसके बाद देखिए ये जो गोश्त हमने गलाया था वो गोश्त इसमें ऐड कर दीजिए। गला हुआ गोश्त इसमें डाल दीजिए, जो मसाले लगाकर हमने गलाया था गोश्त वो हमने इसमें डाल दिया, उसे भी अच्छी तरह से भूनिए। फिर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कीजिए और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कीजिए। 1 टेबलस्पून शाजीरा डालिए, शाजीरा डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। पुलाव में ज़रूर डालिए शाजीरा और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकाइए। फिर 1 कप दही ऐड कीजिए, दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए
अब हम इसमें क्या करेंगे, गोश्त का पानी डालेंगे या फिर गोश्त का जो मसाला था उसमें मैंने पानी डाला और जो पानी हमें डालना है उसमें मैंने डाल दिया। हमें टोटल 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर पानी डालना है, तो उसी में मैंने ये पानी ऐड करके उसे गिन लिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीना डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा इसे तेज़ आँच पर पकाइए और अब हम इसमें टोटल 1.5 लीटर मीन्स 1.5 लीटर पानी डालेंगे, जिसमें कि गोश्त का पानी भी है, यानी गोश्त जो गला हुआ था उसका पानी भी है बचा हुआ। और देखिए अब ये 1 किलो बासमती चावल है, इसे 2 घंटे से मैंने भिगो कर रखा था। अब मैंने पुलाव के लिए 1.5 टेबलस्पून नमक डाला, यानी 1.5 चम्मच नमक इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। अब ये जो चावल हैं भिगोए हुए, वो चावल हम इसमें डाल देंगे। जब पानी उबलने लगेगा तब हम भिगोए हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे। देखिए चावल डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें 1 टीस्पून सौंफ डालिए, यानी सौंफ का पाउडर ऐड कीजिए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद 1 नींबू का रस ऐड कीजिए। नींबू का रस हमने इसमें ऐड किया, इसे अब बराबर कीजिए। और अब इसमें हम हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और अब जब पानी सूख जाएगा, पानी सूखने पर हम इसमें थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे। आप चाहें तो बिरयानी एसेंस या पेड़ा एसेंस भी डालें। अब ढक्कन ढाँक कर इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पकाइए और उसके बाद इसे निकालिए। बेहतरीन पुलाव तैयार है। देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।